तारीफ कर दी इन्होंने, बेताब साहब छोटा सा आवाम का मुलाजिम हूँ और जो मेरा बस में है वो करता हूँ लोगों के लिए, करते आया हूँ और करते रहूँगा। मेरी माँ बहनों भाइयों बच्चों, ये आज का प्रोग्राम जो रखा गया है ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है और इलेक्शन से कोई जुड़ा हुआ प्रोग्राम नहीं है। मैंने तो कुछ और प्रोग्राम प्लान किया था लेकिन हमारी आलिया मुमताज जी ने बोला कि जो हालात चल रहे हैं, माहौल जो चल रहा है, लोग परेशान हैं, बैंकों की लाइन में खड़े हैं, नोट नहीं, नोट सब बदल गई है और लोगों के जेब में पैसा नहीं है खर्चा करने को, सब परेशान है और जो हालात चल रहे हैं उसलिए थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो जाए बच्चों के लिए, कि बच्चे भी खुश हो जाए, उनकी माँ बाप भी खुश हो जाए, थोड़ी हंसी हो जाए, तो एक अच्छा माहौल में लोग जी सके। वैसे ही फिर कल सुबह उठ के बैंक की लाइन में खड़े होना है आप लोगों को। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त सुनील पाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी फिल्म आ रही है जिसका नाम है, क्या नाम है, मैंने सुना नहीं, क्या ससरा, कौन सी फिल्म आ रही है, बसरा, जोर से बोलिए, आसरा, फिल्म का नाम है आसरा। और आसरा फिल्म को आज राजा साहब ने, राजा भैया ने प्रमोशन का यहाँ जो मौका दिया, मैं राजा भैया का धन्यवाद करना चाहूंगा। राजा भाई थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली राजा भाई के लिए कि आसरा फिल्म को इनकी वजह से प्रमोशन का आज आसरा मिला है। आज वाकई राजा भैया मुझे 2000 के नोट लग रहे हैं जो मार्केट में धड़ल से चल रहे हैं, बाकी जो हाथ मिला रहा है ये 500 का पुराना नोट है। बेटा बोलो। पापा हमारी लेडीज टीचर, हमारी लेडीज टीचर बहुत सुंदर है ना। तो अभी उन्होंने समझाया बच्चे को, ऐसा नहीं कहते बेटा, लेडीज टीचर जो है वो तुम्हारे लिए माँ की तरह है। इस पे बच्चे का जवाब, क्या पापा यहां भी अपना ही जुगाड़। तो बच्चे से कोई पंगा नहीं ले सकता। आज अच्छा लग रहा है, आप लोग यहां पर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बीच में गाना आया था, आपने सुना होगा गाना, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छू नाना अब मैं जवा हो गई। ये गाना सुनकर नाना पाटेकर ने ये गाना सुना और इतनी उल्टी खोपड़ी का नाना पाटेकर इस लड़की के घर पे चला गया। लड़की को बोल रहा है इधर इधर आ, कहाँ छूना है तुझे, कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। लड़की बोली क्यों, अरे तू ही तो कह रही है छू नाना तो नाना छूने आ गया। साथ में लाला को बुलाया, ओ लाला इसको भी बुलाया। ये हमारे नाना पाटेकर हैं, अजीबोगरीब हरकत करते हैं लेकिन आज यहाँ पर मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ जितने परिवार के साथ लोग बैठे हैं, सबसे यही निवेदन करूँगा, सबसे यही गुजारिश करूँगा कि 2 तारीख को फिल्म आ रही है। कितने तारीख को बुलाए, वो जो पूना का मंगलारपेट का जो स्लम है 21 साल में जो बना वो देश में रोल मॉडल बना, उसमें जो जो फैसिलिटी वो देने का मैंने कोशिश किया वो पूरा हुआ। महाराष्ट्र के सीएम ने उसको तारीफ करके रोल मॉडल करके डिक्लेयर किया। मैं ये देश में पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हिंदी आसरा मूवी जो किया, जो मेरे जीवन पे चरित्र पे जो वो मूवी है वो लोगों को बहुत पसंद पड़ रहा है। 2 दिन पहले मैं नागपुर, गुजरात, पूना और आज मुंबई में बांद्रा में जो आया हूँ, तो लोगों का बहुत अच्छा बड़े से रिस्पॉन्स मिल रहा है। SRA जो नया रूल आया है, SRA के जरिए जो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए वो SRA से नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन ये मूवी देखने के बाद लोगों को पूरा SRA मालूम पड़ेगा। इसमें मुझे, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो और महाराष्ट्र में, देश में पूरे झुग्गियों का डेवलपमेंट हो के पक्के घर में लोग जाए, ये मेरी उम्मीद रखता हूँ।
हमने आना चाहिए, सेट्टी साहब जैसे लोग सामने हों तो उस प्रोजेक्ट के जो बेसिक फायदे लोगों को मिलते हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में लोग जान पाते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँच नहीं पाती। और हमारी ये फिल्म जो आसरा है ना, इसमें एसआरए क्या है यही बताने की, आम आदमी को बताने की कोशिश की गई है। और आप और हम, मैं चाहता हूँ कि फिल्म सब लोग जाके देखें और इस फिल्म को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिले। स्लम में जैसी होती है, मेरा 60-70% एरिया स्लम में है और उसके अंदर हर सुविधा के लिए एक स्लम में रहने वाला रहवासी परेशान रहता है। सुबह उठता है उसको टॉयलेट्स के लिए लाइन लगाना पड़ती है, पानी के लिए झगड़ा करना पड़ता है, वहाँ से ज़िंदगी सुबह शुरू होती है। हर इंसान नॉर्मली ये चाहता है कि सुबह उठ के पहले अपने काम धंधे पे जाए, अपनी पाठ पूजा पाठ करे, नमाज़ पढ़े, उसके बाद एक अपने काम कारोबार पे जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कमा के लाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे। इंसान सुबह निकलता है उसके जहन में ये रहता है आदमी को फीस भरनी है, बच्चे की, आज मेरे को ये करना है, वो माइंडसेट। लेकिन यहाँ पर तो सुबह पहले उठ के पानी के लिए झगड़ा करना पड़ता है, टॉयलेट की लाइन में झगड़ा करना पड़ता है, तो आधा माइंडसेट तो तुम्हारा वहीं चला गया। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये जिंदगियों में फ़र्क अगर लाना है तो हम सबको मिल के इस चीज़ को फेस करना है। और ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है और मैं चाहूँगा दूसरे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है और फिल्म राइटर्स है जो ये इस तरीके की फिल्म लिखे, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर लोगों के अंदर जागरण आना चाहिए।